प्रथम विश्व युद्ध में हवाई बमबारी के ऐसे वीडियो आपने बहुत देखे होंगे। तब दुनिया ने पहली बार देखा था कि कैसे लड़ाकू विमानों से दुश्मन के खेमे में तबाही मचाई जा सकती है। उस युद्ध में जो बम वर्षक विमान प्रयोग किया गया था उसका नाम है एवरो 504। आज लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो चुकी है, लेकिन जब भी लड़ाकू विमानों के इतिहास की बात आती है एवरो सीरीज के बम वर्षकों का जिक्र अवश्य आता है। ये वो समय था जब हवाई जहाज का आविष्कार मात्र कुछ वर्ष पहले 1903 में हुआ था। एविएशन टेक्नोलॉजी अपने बहुत ही प्रारंभिक रूप में थी। उस समय ऐसा लड़ाकू विमान बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। क्या आप जानते हैं कि एवरो सीरीज के इन विमानों को किसने डिजाइन किया था? ये काम करने वाला व्यक्ति एक भारतीय था। उसका नाम था श्रीराम वेंकट सुब्बा शेट्टी। लोग उन्हें एसवी शेट्टी के नाम से जानते थे। मैसूर में वर्ष 1879 में जन्मे एसवी शेट्टी पेशे से इंजीनियर थे। उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, तब ये थॉमसन कॉलेज के नाम से जानी जाती थी। बाद में उन्होंने कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी कर ली। कुछ समय बाद स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने नई नई बनी एविएशन कंपनी एवरो में नौकरी कर ली। वर्ष 1910 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। एसवी शेट्टी ने मात्र एक वर्ष यानी 1911 में पहला लड़ाकू विमान डिजाइन कर दिया। बाद में इस सीरीज के कई वर्जन आए और उन्हीं का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में बम वर्षक के तौर पर हुआ। एसवी शेट्टी वर्ष 1912 में भारत लौट आए। अपने गृह राज्य कर्नाटक में उन्होंने पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वर्ष 1940 में कर्नाटक में ही देश की पहली हवाई जहाज कंपनी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना हुई। तब ये एक निजी कंपनी हुआ करती थी। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। हालांकि इसका मैनेजमेंट भारतीयों का ही रहा। कंपनी के बनाए लड़ाकू विमानों का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में भी हुआ था। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बताया कि भारतीयों, तुमको तो सुई बनानी भी नहीं आती, तुम तो सांप सपेरों के देश हो, तुम बस समाजवाद की बीन बजाते रहो। और हम आज तक समाजवाद की बीन बजा रहे हैं। 70 साल तक वामपंथी समाजवाद ने राज किया, अब राष्ट्रवादी समाजवाद है। जनता आरक्षण के समर्थन और विरोध में एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है। बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरी मिलने की कल्पना भी बेकार है। फ्रांस से बनकर लड़ाकू विमान आता है तो हम खुश हो जाते हैं। भूल चुके हैं कि हम वही देश हैं जो कभी बम वर्षक विमान बनाया करते थे। एक बात और कि पहले भारतीय इंजीनियर विदेश में काम करने के कुछ साल बाद स्वदेश लौट आया करते थे, लेकिन वो समय चाचा नेहरू से पहले का था। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।